हाय फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे W10 पेन कैमरा के बारे में कैसे यूज करेंगे। ये इस तरह के बॉक्स होते हैं, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इस बॉक्स में एक W10 पेन कैमरा आता है, एक चार्जिंग डाटा केबल आता है जिसे आप चार्ज भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई रहेगी तो वो आप कंप्यूटर चाहे लैपटॉप हो और फ़ोन के OTG के थ्रू आप देख सकते हैं। और इसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, ये देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ ये चाइनीज लैंग्वेज में है। वैसे मैं सारे चीज़ें कवर कर दूंगा इस वीडियो में, तो आपकी इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉक्स के साथ में ये हमारा कार्ड भी आता है साथ में। अगर आप बाय करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को तो इस नंबर पे आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हम इन सबको साइड में करते हैं। और इसके साथ में एक रीसेट पिन भी आता है जो कि रीसेट करने में काम आएगा। अब पेन को हम पहले ओपन कर लेते हैं इसको। ये यहाँ से खुल जाएगा इस तरफ घुमा के। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कैमरा होता है पेन का, प्लास्टिक चढ़ी हुई है तो हम इसको हटा देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा का लेंस है और इस तरफ फंक्शन बटन है। एक ही बटन पे सारी चीज़ें होंगे, फ़ोटो शूट भी होगा, वीडियो भी रिकॉर्डिंग करेगी। और यहाँ पे दो होल है, इसमें इंडिकेटर लाइट जलेगी ऊपर वाले होल में। यहाँ पे देख सकते हैं दो होल है, एक यहाँ पे होल है, एक उसके नीचे है। इसमें इंडिकेटर लाइट जलेगी ऊपर वाले में, और नीचे वाले में एक रीसेट का बटन दिया हुआ है। नीचे वाले में रीसेट का बटन दिया हुआ है तो ये इस पिन से रीसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं। जैसे कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मेमोरी कार्ड लगाने के बाद एरर आ रही है फिर भी ऑफ़ हो रहा है, तो इसको पावर को ऑन करके इस तरह से ऑन होगी। ये देख सकते हैं इसमें लाइट जल रही है, अभी अभी मेमोरी कार्ड नहीं है तो इसलिए बंद हो गया है। जैसे मेमोरी कार्ड लगा के इसमें रीसेट पिन डालेंगे, एक बार ही प्रेस कर देंगे, रीसेट हो जाएगी। और यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। और ये चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, जो डाटा केबल हमने दिखाया था आपको, उसको लगा के अपने मोबाइल के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, 5 वोल्ट वाले चार्जर से। और इसी डाटा केबल से आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ये पेन है रिफिल, ये इस तरह से ओपन होगा और बंद होगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी मेमोरी कार्ड की। मेमोरी कार्ड लगा के अभी रिकॉर्डिंग करके हम चेक करेंगे कि कैसे काम करेगा ये। मेमोरी कार्ड इस तरह से लगानी है, ये वाली जो गोल्डन पट्टी है, ये पेन इस तरफ चार्जिंग जैक की तरफ रहेगी। अंदर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, इतना बाहर रहेगा, इससे ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, इसके आगे नहीं जाएगा मेमोरी कार्ड। लगाने के बाद हम इस कैप को बंद कर लेंगे और इस तरह से आप इसको पेन से राइटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से पेन से राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं इसे। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये देख सकते हैं ये ऊपर बटन है एक, हम इसको प्रेस करेंगे
ये देख सकते हैं फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद अपने आप ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती। हेलो 1 2 3, हेलो 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 1 2 3। और सेव करने के लिए सिंगल प्रेस करेंगे, वापस से लाइट्स स्टेबल हो जाएगी, रिकॉर्डिंग सेव होकर लाइट वापस से स्टेबल हो गया है। अब दोबारा से रिकॉर्डिंग करने के लिए इसी बटन को सिंगल प्रेस करेंगे, ये देख सकते हैं अभी दोबारा रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो 1 2 3, हेलो हेलो। सेव करने के लिए फिर इसी बटन को सिंगल प्रेस करेंगे, लाइट वापस जल जाएगा। और फ़ोटो खींचने के लिए इस बटन को डबल प्रेस करेंगे, दो बारी प्रेस करेंगे, एक बारी लाइट ऑफ हुआ और वापस जल गया। अभी एक फ़ोटो शूट हुआ है, ये देख सकते हैं, मैं अभी स्क्रीन का ले रहा हूँ, डबल क्लिक करना है, 1 2, अभी ये फ़ोटो शूट हो गया, ये देख सकते हैं। अभी मैं कीबोर्ड का फ़ोटो ले रहा हूँ, तुरंत तुरंत दो बारी प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे चले जाएगी। और ऑफ़ करने के लिए थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे ऊपर वाले बटन को, लाइट ऑफ हो जाएगी। अब हम इसको ओपन करते हैं, डाटा केबल को कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर में देखेंगे। ये हम इस तरह से इधर हाथ ऐसे लगाना डाटा केबल। अब मैं कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में कनेक्ट, ये देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिया हूँ पेन को। अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, दिस पीसी को ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में यूएसबी ड्राइव का ड्राइव शो कर गया है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये फ़ोटो वाली फाइल है तो इसमें सिर्फ फ़ोटो आएंगे, और ये वीडियो वाली फाइल है इसमें वीडियो आएगा, और ये टाइम सेट करने के लिए टाइम का टेक्स्ट वाली फाइल आई है। टाइम सेट करने के लिए अभी हम बताएंगे, पहले फ़ोटो चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की फ़ोटो खींचा था, ये भी स्क्रीन का ही है, और ये कीबोर्ड का, ये देख सकते हैं टाइम स्टैम्प आ रही है फ़ोटो के ऊपर, ये टाइम सेट करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट टाइम आ रही है तो हम इस टाइम को सेट करेंगे, तो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग चलेगी जो हमारा करेंट टाइम होगा। वीडियो पे भी उस टाइम का स्टैम्प आएगा। अब हम वीडियो वाली फाइल को ओपन करेंगे, ये आप देख सकते हैं कितने सारे वीडियो बनी है, 4 4 1 5 वीडियो बनी हुई है, ये नंबर वाइज सीरीज वाइज बनेगी। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे पेन में तो ये 5 5 मिनट का वीडियो बनाती रहेगी। अभी तो हमने थोड़े थोड़े वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी, ये आप देख सकते हैं। ये कीबोर्ड्स भी आ रही है, ये मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन का रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 3, हेलो। ये देखिए कैलेंडर का हमने रिकॉर्डिंग करी थी, काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग आ गई है इसमें, ये देख। और ये जो वीडियो पे टाइम देख रहे हैं आप, यहाँ पे हेलो 1 2, ये जो टाइम आ रहा है यहाँ पे 2023 9 4, और ये टाइम डेट आ रही है और टाइम आ रहा है, तो इसको हम सेट करने के लिए टाइम और डेट को सेट करने के लिए बैक करेंगे। बैक करने के बाद ये टाइम वाले फाइल को ओपन करेंगे, टाइम वाले टेक्स्ट फाइल को। ये सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप में ही सपोर्ट करेगा, मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा ये वाली फाइल, तो आपको टाइम सेट करने के लिए कंप्यूटर चाहे लैपटॉप में लगा के आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट में ईयर आता है, सेकंड में मंथ आता है, और ये एंड में डेट आती है, डे। और ये टाइम सेट करने के लिए है, ये फर्स्ट वाले आवर, ये मिनट और ये सेकेंड।
और ये जो वायर है, वायर रहेगा तो टाइम का स्टैम्प आएगा, और यहाँ पे हम एन कर देंगे, कीवर्ड से टाइप करेंगे एन, तो ये टाइम स्टैम्प नहीं आएगा इस पर। अब हम इसको कंट्रोल जेड करके हटा रहे हैं, अभी टाइम सेट कर रहे हैं 2024 03। हमने इसमें टाइम सेट किया है 2024 मार्च 5, अभी टाइम हो रहा है, और सेकंड में हम 00 कर देंगे, 00 ही रहने देंगे। अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी, हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो भी वीडियो बनेगा, तो यहाँ पे जो डेट आ रही है ना, ये वाली डेट आपकी जो अभी हमने टाइम सेट किया है, इसी टाइम पे से, इसी टाइम पे चलेगा डायरेक्टली आप। और मेमोरी कार्ड में, इसमें मेमोरी कार्ड अच्छे ब्रांड वाले लगाना पड़ेगा आपको, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी वाली अगर मेमोरी कार्ड नहीं रहेगी तो ये रिकॉर्डिंग कभी कभी सपोर्ट नहीं करेगा, फ़ोटो शूट नहीं होगा, तो आप अच्छी क्वालिटी की मेमोरी कार्ड को यूज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।